असली किसान के बेटों से डर गई बीजेपी। किसान के बेटों से जीतना नहीं होगा आसान। अखिलेश जैन को बीजेपी कैसे देगी टक्कर? विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश भले ही कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर डरी हुई है। बीजेपी को अखिलेश और जयंत की जोड़ी से कहीं न कहीं घबराहट महसूस हो रही है। अखिलेश की ताकत देख बीजेपी को डर सता रहा है, डर सत्ता हाथ से निकल जाने का। और आज की अखिलेश और जयंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो ये डर और घबराहट और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अखिलेश और जयंत ने सीधा संदेश दे दिया है कि दोनों किसानों के बेटों के सामने बीजेपी का सफाया होना तय है। सुनिए क्या कहा अखिलेश और जयंत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे, इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पे किए जाएंगे, वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े, फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है, इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। यहाँ अखिलेश ने उस लाल पोटली को भी दिखाया जो वो अपने साथ लेकर चलते हैं। अखिलेश ने अपनी जेब से अन्न से भरी लाल पोटली निकाली और अन्न संकल्प दिया। वहीं संकल्प में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी साथ दिया, हाथ बढ़ाकर खुद भी अन्न संकल्प लिया। देखिए, ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, ले लिया, अन्न संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष जी और सब लोगों ने। अखिलेश और जयंत ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि इस बार उनका ज्यादा से ज्यादा फोकस अन्नदाता के जीवन को खूबसूरत बनाने पर होगा, अन्नदाता के जीवन को सुधारने पर होगा। और समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर के, यहाँ सवाल ये नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, हम दोनों मिलकर के किसानों के हक और सम्मान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। अन्नदाता के मुद्दे के अलावा अखिलेश ने सीएम योगी को घर भेजने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी ने बाबा मुख्यमंत्री का पॉलिटिकल पलायन करवा दिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है? वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। अब जिन अखिलेश यादव का अंदाज ऐसा हो, सत्ता पर बैठी बीजेपी के सफाई के लिए हर तरह का जोर लगा रहे हो, तो बीजेपी आला कमान को तो खौफ हो ही जाएगा।
बीजेपी आलाकमान के मन में अखिलेश के इस अंदाज से खौफ बैठना स्वाभाविक है। बीजेपी को जरूरत है कमर कस लेने की, क्योंकि अब अखिलेश कोई लाग लपेट नहीं बल्कि सीधा बीजेपी के सामने आकर खड़े हो गए हैं। वो बीजेपी से तीखे सवाल पूछते हैं, हालांकि इसका जवाब देने में बीजेपी पीछे ही दिखाई देती है, इसलिए अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, बीजेपी अपनी तैयारी कर ले। अखिलेश ने तो प्रण ले ही लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को कैसे भी साफ करके ही दम लेना है, और अखिलेश के संकल्प में उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। अब आप हमें बताएं कि अखिलेश के इस बदले मिजाज से आप क्या समझते हैं? क्या इस बार बीजेपी का प्रदेश से सफाया होने वाला है? क्या प्रदेश के दुर्दिनों का अंत होने वाला है? क्या आप किसान का भी सुकून से जीवन व्यतीत करने का समय आने वाला है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।